तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। तो हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर क्लास 9 साइंस का हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। इसके पिछले वाला पार्ट में लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मैंने पढ़ा दिया है, वो अगर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो आप जाके देख सकते हो। और इस वाले पार्ट में हम लोग उसका इम्पोर्टेंस जानने वाले हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, सबसे पहले चीज, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हर जगह लागू होता है, पूरे यूनिवर्स में ये वर्क करता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अर्थ पे भी लागू होगा, आपके क्लासरूम में भी लागू होगा, आपके रूम बेडरूम में भी लागू होगा, आपके पूरे अर्थ पे भी लागू होगा, अर्थ के सरफेस पे भी लागू होगा, अर्थ और मून पे भी लागू होगा, मून के सरफेस पे भी लागू होगा, मार्स पे भी लागू होगा, सन पे भी लागू होगा, पूरे यूनिवर्स में लागू होगा, पूरे गैलेक्सी में लागू, पूरे जहां तक चल जाए आप, जहां तक भी आपकी सोच जाती है वहां पे भी ये लागू होगा। ठीक है, अलग बात है कि उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं बहुत ज्यादा हो, कहीं बहुत कम हो, कहीं आपको पता भी नहीं चले, लेकिन होगा ये जरूर। ठीक है, तो बहुत सारे चीजें हैं जो फिनोमेना है जिसको ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया तो बहुत सारे चीजों से पर्दा हटा कि ये आखिर वर्क कैसे कर, ये सारे चीजें हमारे सामने हो तो रही थी लेकिन ये इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का जो वर्किंग मैकेनिज्म है, क्यों काम कर रहा है, तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब आया तो वो सारे चीजें इससे क्लियर हो गए। जैसे कि हम लोग पृथ्वी से चिपक के ही क्यों रहते हैं, मतलब कि हम लोग पृथ्वी पे दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, उछल सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से उड़ के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अपने आप ही उड़ के मून पे तो नहीं जा सकते, या कहीं यूनिवर्स में निकल के तो अपने आप ही नहीं जा सकते, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, या फिर हमें थोड़ा फ्लाई भी करना पड़ता तो हमें हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के द्वारा ही फ्लाई कर सकते, अपने आप ही नहीं उड़ के जा सकते। ठीक है, बर्ड्स भी उड़ती है, बढ़ती है तो जब तक उसने पंख फैलाया रहता है, पंख उड़ते रहती है तब तक, अगर वो पंख फैलाना बंद करते, ठीक है, एयर पे प्रेशर लगाना बंद करते, ठीक है, तो वो भी आके गिर जाएगी। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ बाइंड करके रखती है सारे जीव जंतु को, सारे चीजों को अर्थ अपने सरफेस पे, तो वहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन करता है ये सारे फिनोमेना को। ठीक है, हम लोग को अर्थ पे कौन बाइंड करके रखा है, सारे चीजें अर्थ से बाइंड क्यों है, तो ये जितने चीज अर्थ के सर्फेस पे, तो ये चीज ग्रेविटेशन से हमें पता चलता है। ठीक है, इस ग्रेविटेशन के फिनोमेना से हमें ये क्लियर होता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, दूसरी बात करें कि अगर जो मून है वो अर्थ के चारों ओर ही चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इसके कारण ही ये बाइंड है मून अर्थ से, और इसके कारण इसके चारों रोटेट कर रहा है। ओके, उसी तरह सिमिलर फॉर्मूला लगेगा कहां पे, सन के चारों जितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 प्लैनेट यहाँ पे है, मोशन कर रहे हैं पूरा सन के चारों, क्यों, जो सन के ग्रेविटेशन है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है और उसके कारण ये चारों ओर गोल गोल घूमते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही एक्सप्लेन हो जाता है, क्योंकि सारे जितने प्लैनेट है वो सन के चारों ओर ही क्यों मूव कर रहे हैं, जो मून है वो अर्थ के चारों ओर क्यों मिल रहा है, कोई भी सैटेलाइट है वो किसी प्लैनेट के अराउंड ही क्यों मूव कर रहा है, तो ये सारा चीज इसी लॉ से क्लियर होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देता है। उसके बाद टाइड्स जो आते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा जो आता है जो समुद्र में, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी इसी से है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही, ग्रेविटेशन के फिनोमेना के कारण ही टाइड्स आते हैं। ठीक है, एक रफ में टाइड का एग्जांपल थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक हाई टाइड होता है, एक लो टाइड होता है। ठीक है, अर्थ और मून के कारण हाई टाइड और लो टाइड होता है। तो मून का जहां पे वो मून रहेगा, अर्थ के सरफेस के जिसके सरफेस में कहां पे ऊपर में जहां पे मून रहेगा उस पोजिशन में वो अर्थ को खींचेगा, और वहां पे खींचने के लिए तो पूरा अर्थ तो सॉलिड है, ऊपर से तो सॉलिड है, सरफेस सॉलिड है, तो वो तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका जो लिक्विड सरफेस है, मतलब कि जो अर्थ पे जो वाटर है, जो समुद्र में जो वाटर है वो तो लिक्विड फॉर्म में, वो तो हल्का सा पुल हो जाएगी, तो वो जो वाटर पुल हो गई तो वहां पे क्या होता है कि कोस्ट पे वाटर का लेवल बढ़ जाता है जहां पे मून रहेगा। ठीक है, उसी को कहेंगे हाई टाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थ है, इसके चारों ओर समुद्र है। ठीक है, जहां जहां लैंड है लेकिन जहां पे समुद्र है वहां का जो पानी है वो हल्का सा ऊपर की ओर खींच जाता है, तो फ्यू मीटर ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाई टाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे मून रहेगा वहां पे, और ठीक इसका एक्शन का रिएक्शन ही हो जाएगा, तो ठीक मून के पीछे वाला जो साइड होगा, मून जिस तरफ है उसमें अर्थ के जो पीछे वाला साइड वहां पे भी पानी ऊंची हो जाएगी, और जो उसके जो परपेंडिकुलर जो साइड पड़ गया वहां पे पानी का लेवल कम हो जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। ओके,
उसी तरह से अगर हम लोग स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड की बात करें तो स्प्रिंग टाइड आता है न्यू मून और फुल मून के दिन, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ऐसा क्या हो जाता है, जो जो पूर्णिमा आता है मतलब कि फुल मून वाला डे आता है, उसमें अर्थ बीच में होता है और सन एक तरफ होता है और मून एक तरफ होता है, तो दोनों साइड से सन भी तो अर्थ को खींच रहा है, सन से भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि जो ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है, वहीं पे अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है। आप लोग एग्जाम्पल करने के लिए जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है अर्थ और मून के बीच में, तो सन और अर्थ के बीच में भी तो ग्रेविटी लग रही होगी, कितनी फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वैल्यू आप निकालने की कोशिश कीजिए। सारा डाटा आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, वहां से आप निकाल के इसका निकाल सकते हैं। हालांकि इस पे आते हैं, स्प्रिंग टाइड पे आते हैं, तो यहाँ पे फुल मून में क्या होता है, अर्थ बीच में हो गया, सन एक तरफ मून दोनों साइड से खींचेगा, तो पानी का थोड़ा सा लेवल ऊपर की ओर उठ जाता है, फ्यू मीटर्स ज्यादा ऊपर उठ जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्प्रिंग टाइड। उसी तरह से न्यू मून में मतलब अमावस्या के दिन में अर्थ और मून दोनों एक साइड में हो जाए, मतलब कि मून बीच में हो जाता है सन और अर्थ के बीच में, तो अर्थ सन और मून दोनों मिल के अर्थ के वाटर को एक तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसके कारण वहां पे स्प्रिंग टाइड आती है। उसी तरह से हो जाता है नीप टाइड। नीप टाइड में क्या होता है कि फुल मून होता है उससे 7 दिन के बाद, तो एक क्वार्टर पोजिशन पे आ जाएगा, और ये जो न्यू मून होता है मतलब अमावस्या होता है उससे 7 दिन के बाद, तो क्वार्टर पोजिशन 14 दिन का फुल साइकिल होता है फुल मून टू न्यू मून, तो 7-7 दिन न्यू मून से 7 दिन और फुल मून से 7 दिन, ठीक है, तो इसके बीच का जो पीरियड होगा तो वहां पे एक 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये और ये, ठीक है, यहाँ पे अर्थ एक तरफ होगा और उसके ठीक 90 डिग्री पे मून हो जाएगा, तो एक साइड से ये खींचेगा और दूसरे साइड से ये, तो दोनों फोर्स को ये कैंसिल करेगा, तो हाँ नीप टाइड में उतना ज्यादा टाइड नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ता है। तो ये हो गया स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड का बीच का डिफरेंस। तो ये सारा चीज स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, ये सारा कुछ ग्रेविटेशन के फेनोमेना से ही एक्सप्लेन होता है, ग्रेविटेशन के कारण ही होता है, यहाँ पे अर्थ का, सन का और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। उसी तरह से स्टार का फॉर्मेशन हो गया, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो गया, या फिर किसी सोलर सिस्टम, अर्थ जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये और जो दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम है, दूसरे आकाशगंगा में और भी जो दूसरे तारामंडल के तारा के जो जितने प्लैनेट्स है, उन सब का फॉर्मेशन भी ग्रेविटेशन के कारण ही होता है, ग्रेविटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लाउड जो डस्ट का क्लाउड था वो धीरे धीरे एक जगह पे संगठित हो गया, एक जगह पे आ गया, एक पॉइंट पे इकट्ठा होने लगा, तो वहां पे वो सन का फॉर्मेशन हो गया, जो रिमेनिंग जो डस्ट पार्टिकल बच गए वो आपस में जुड़ते चले गए और धीरे धीरे प्लैनेट्स का फॉर्म कर दे, तो यही होता है सोलर, किसी भी सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन। तो इसी तरह से अपना सोलर सिस्टम में काम किया और ये पूरा फेनोमेना जो है वो ग्रेविटेशन से काम कर रहा है, ग्रेविटेशन के कारण ही हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से गैलेक्सी का फॉर्मेशन, तो बहुत लार्ज लेवल पे जो बीच में पूरा आपस में क्लाउड में रोटेट कर बीच में ब्लैक होल आ गया और चारों रोटेट करते हुए तो बड़े से गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे भी गैलेक्सी का, स्टार का फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन, ये सारा चीज ग्रेविटेशन से ही एक्सप्लेन होता है। उसके साथ साथ हम लोग जो चंद्रयान जो भेजा अभी, चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, 2, 3 और भी जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं, तो उसमें भी ग्रेविटेशन का ही काम होता है, ठीक है। हमने क्या किया था चंद्रयान मिशन में, पहले जो चंद्रयान 3 था तो उसको हमने रॉकेट के थ्रू GSLV Mark 3 के थ्रू अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकाला, यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाया और अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकाला, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में डाल दिया सैटेलाइट को, चंद्रयान 3 को, जिसके कारण वो रोटेट करने लगा अर्थ का, ठीक है, अर्थ के चारों ओर घूमने लगा, ओके। उसके बाद एक खास पॉइंट पर उसको थ्रस्ट से फिर से फोर्स लगाया तो वो मून की तरफ चला गया, मून की तरफ चला गया, तो फिर वहां पे इंजन को रिवर्स करके उसकी स्पीड को थोड़ी कम की गई और उसके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश की गई, उसके सरफेस के पास से, मतलब सरफेस के पास से मतलब कि कई सौ किलोमीटर, मतलब कुछ हजार किलोमीटर, 1000-2000 किलोमीटर ऊपर से उसको गुजारा गया, जिसके कारण मून का ग्रेविटी उसमें वर्क किया और वो उसके चारों ओर घूमने लगा, फिर धीरे 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 उसकी स्पीड को कम की गई और उसको लैंडिंग कराई। तो यहाँ पे पूरा फेनोमेना, पूरा ग्रेविटेशन का खेल हो रहा है, ठीक है। स्पेस प्रोब जितने भेजे जाते हैं, जीपीएस सिस्टम जितने काम कर रहे हैं, तो जीपीएस सिस्टम काम करने के लिए ढेर सारे सैटेलाइट का नेटवर्क छोड़ा गया आकाश में, वो चारों अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण ही चारों ओर तो सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो यहाँ पे भी ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है। तो हमारे तरफ बहुत सारा एप्लीकेशन है अर्थ, जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ग्रेविटी के कारण वो फिनोमिना को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।